नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद आपको दिखाते हैं 20 मिनट 20 खबर। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि अवसर हमें मिला। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली बात है। बता दें, पीएम मोदी के स्वागत के लिए सुबह से महिला कार्यकर्ताएं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद थी। यहां सब महिलाओं ने गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर बिल के पास होने का जश्न मनाया। देश के सबसे स्वच्छ शहर में शुमार इंदौर को उसके नए नए नवाचारों के लिए जाना जाता है। कचरे का प्रॉपर मैनेजमेंट हो या फिर स्वच्छता को लेकर सख्ती हो, इस शहर ने ऐसे ही सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल नहीं किया है। कई सालों की मेहनत और आम जनता के पूरे सहयोग से इंदौर 6 बार सबसे साफ शहर चुना गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए इंदौर में आज नो कार डे मनाया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल और स्वच्छता के लिए आज सभी प्रशासनिक अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए नजर आए। यहां तक कि नगर निगम महापौर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे थे। बता दें कि जिस तरह से हर बार इंदौरी प्रशासन के नवाचार में सहयोग करते हैं, उसी तरह इस बार भी जनता ने नो कार डे को अपना समर्थन दिया और सड़कों पर एक्का दुक्का कारें ही नजर आई। नगर निगम महापौर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए दिखे। बता दें कि इस पहल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों को जोड़ने का अभियान भी बताया जा रहा है। कार का हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल ना करने से पर्यावरण के साथ ही ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और आग बुझाते हुए लोग, ये तस्वीरें रीवा के चिल्ला बाजार की हैं। यहाँ लोगों की नींद उस समय उड़ गई जब एक दुकान में अचानक से भीषण आग लगी। दुकान में कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, बल्कि आग बहुत विकराल थी। इस आग की लपटें कितनी ऊपर उठ रही थीं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें कि ये आग एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी मामूली सी आग ने जब विकराल रूप ले लिया, तब स्थानीय लोग भी आग बुझाने की जद्दोजहद में लग गए। बताया जा रहा है कि भीषण आग लगने के कारण दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में अग्निशमन विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने की जानकारी दी। काफी देर तक लोगों ने फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार किया, जिसके बाद जब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो लोगों ने खुद ही दुकान पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दुकान मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिल्मों में तो आपने कई बार पुलिस को चोर का पीछा करते हुए दौड़कर चोरों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई सीन आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा? मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर में जहां स्वच्छता का डंका बजता है, उसी इंदौर में बदमाशों का भी बोलबाला है। हाल ही में शहर के पोलो ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास से एक फिल्मी सीन देखने को मिला, जब पुलिस पीछे पीछे और चोर आगे आगे भागते हुए नजर आए। दरअसल ये बदमाश दो छात्रों से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन पेट्रोलिंग टीम की नजर से ये बच नहीं पाए और टीम ने इन लुटेरों में से एक का दौड़कर पीछा किया। पुलिस को काफी दौड़ाने के बाद आखिरकार एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। हालांकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हुआ, लेकिन पकड़ा गया आरोपी पकड़ में आने के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। अब पुलिस इस चोर से पूछताछ करने में जुटी है। राजधानी हो या जगदलपुर या फिर अन्य कोई जगह, यात्री बस चलाने वाले ड्राइवर्स के द्वारा हमेशा जल्दी पहुंचने की होड़ रहती है और यात्रियों की जिंदगी को हमेशा दांव पर ये लगा देते हैं। इसकी वजह से सड़क पर हादसे होते हैं। बीते कुछ समय से सड़क हादसों की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जगदलपुर में एक तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद बस की हालत क्या हुई वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जब यह हादसा हुआ उस समय बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। दिल दहला देने वाली इस दुर्घटना में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। गनीमत यह रही है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। ड्राइवर के मुताबिक बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ। बस जगदलपुर से बैलाडीला जा रही थी।
छत्तीसगढ़ में बारिश का एक सिस्टम एक्टिव होने से लगातार बारिश हो रही है। बलौदाबाजार में भी 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण जलाशयों को जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों का एक गांव से दूसरे गांव तक जाना मुश्किल हो गया है। पानी इस कदर बरस रहा है कि कई गांव तो बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गए हैं। केकरा पुल पानी के बहाव के कारण टूट गया है। पुल टूटने से दर्जनों गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। अमेठी घाट का जलस्तर बढ़ने से 50 गाँव का संपर्क नेशनल हाईवे से कट गया है। लोगों को रोज की जरूरत के सामान के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रशासन ने बारिश से हुई तबाही को देखते हुए अलर्ट जारी किया, लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। रात का समय और सड़क पर घुटनों तक भरा हुआ पानी, ये नजारा देखने को मिला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। चंद घंटों की बारिश में सड़क पानी से लबालब हो गई, प्रशासन की पोल खुल गई। लगातार हुई बारिश के कारण डोंगरगढ़ में बना एकमात्र अंडरब्रिज पानी से भर गया। ब्रिज पर पानी भरने के कारण आने वाले लोगों को गाड़ी के साथ ब्रिज पार करने में दिक्कतें हो रही थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से पैदल और वाहन सवार लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बन गई है ये आप देख सकते हैं। सड़क पर पानी भरने से घंटों जाम के हालात बने रहे और लोग अंडरब्रिज से पार होने के लिए जूझते रहे। बता दें कि बारिश से पहले प्रशासन की ओर से दावा किया गया था कि अंडरब्रिज का निर्माण न सिर्फ लोगों को बड़ी राहत देगा बल्कि जाम से भी मुक्ति दिलाएगा। अब जाम से कैसे मुक्ति मिल रही है और लोगों को किस हद तक राहत मिल रही है ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। राह चलते हुए लोग उस समय ठहर गए जब उनके सामने चार बड़े बड़े हाथी आ गए। ये तस्वीरें प्रतापपुर वन परिक्षेत्र की हैं। सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि हाथियों का दल था। गणेशपुर जंगल जहां चार हाथी जब सामने आए तो लोग एक मिनट के लिए ठहर गए। पहले एक हाथी निकला, उसके बाद एक एक करके तीन और हाथी निकले। इन हाथियों को देखकर रुके हुए लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये दल हाल ही में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में पहुंचा है। यहां ये हाथी सड़क को पार करते हुए दिखाई दिए। इस तरह से हाथी दल की सड़क पार करने का वीडियो भी सामने आया है। ये हाथी यहां से निकलने के लिए कई इलाकों तक पहुंच रहे हैं और ना ही हाथियों के द्वारा किसी को हानि पहुंचाई गई है, ना ही लोगों को परेशानी हो रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस मुस्तैद है। बहरहाल वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। बहते हुए पानी का ये नजारा किसी पर्यटन स्थल का नहीं बल्कि मुंगेली का है। प्रदेश भर में एक्टिव हुए बारिश के सिस्टम का कहर अब देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें मुंगेली से हैं, जहां बारिश के कारण मरियाली नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी में पानी की भारी आवक होने के चलते स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश किसी अभिशाप से कम नहीं। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। यहां रहने वाले लोगों के घरों में भी बारिश ने क्षति पहुंचाई है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया, इससे लोग काफी परेशान होते नजर आए। भारी बारिश के चलते मनियारी बांध का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है। आगामी दिनों में भी बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। पूरे देश में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे आजकल सुनने को मिल रहे हैं। गणेश उत्सव का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अलग अलग जगहों से भगवान गणेश के स्वागत और उनके भव्य पंडाल की तस्वीर भी आ रही है। हाल ही में बुरहानपुर से भी एक तस्वीर देखने को मिली जो अपने आप में अलग अद्भुत और अकल्पनीय है। बुरहानपुर में पितरेश्वर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई। ये मूर्ति बाकी मूर्तियों से अलग है। इस मूर्ति की गोद में गणपति बप्पा विराजमान है। खास बात तो ये कि बप्पा 21 किलो चांदी से बने हुए है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कीमती होने के कारण मूर्ति की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि इस दिव्य पंडाल में सीसीटीवी कैमरे के साथ पुलिस भी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। इस भव्य पंडाल में अनोखी और अनमोल मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जहां तक नजर दौड़ा सके बस पानी ही पानी नजर आएगा। देश का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। जी हाँ, इसे आफत ही कहा जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में इस कदर बारिश हो रही है कि लोग काम पर आने जाने में भी लाचार नजर आ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है वो सीहोर की है। जिले भर में रात से बारिश जारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 8 घंटे में 4 इंच पानी बरस गया। सड़कें जलमग्न हैं और रास्तों पर लबालब पानी भरा हुआ है।
सीहोर के पास आष्टा समेत कई और क्षेत्रों में भी लगभग यही हाल है। झमाझम हुई बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, साथ ही रामपुरा डैम में भी पानी की आवक बढ़ चुकी है। इधर मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है, साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। घर जिसे हम सब सुरक्षित कहते हैं, घर जहां हम जाकर आराम करते हैं, अपनों के बीच सेफ फील करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब तो घर भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। उज्जैन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने एक बच्ची को घर से अगवा कर लिया। सो रही बच्ची को बदमाश घर से अगवा कर ले जा रहे थे, तभी अचानक बच्ची की मां नींद से जागी और बच्ची पास में नहीं मिली तो शोर मचाना शुरू किया और डर के कारण बदमाश बच्ची को बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। इस पूरे मामले की सूचना परिवारजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस शिकायत मिलने पर तत्काल घटनास्थल पहुंची, आसपास के इलाकों को खंगाला। तफ्तीश में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। डेंगू के 9 नए मरीज मिले हैं। इस मामले में शहरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा मरीजों की पहचान। जिले में अब तक डेंगू के 67 मरीजों की पहचान हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते आशंका से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे भी किया जा रहा है। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि सभी डेंगू मरीजों का उपचार चल रहा है। दरअसल बीते एक महीने में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही नहीं, पड़ोसी जिलों में भी डेंगू ने दस्तक दे दी। ऐसे में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बात मलेरिया की करें तो मरीजों की संख्या 52 के पार पहुंच गई है। मंगला, कोरबा, दयाल बांध सबसे ज्यादा डेंगू प्रभावित क्षेत्र है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां पर कोई भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कार जिसके परकच्छे उड़ गए, एक ट्राला जिसमें कार जा घुसी, चारों ओर लोगों की भीड़ और सबके मन में यही सवाल कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तस्वीरें धार के धमनौत के गणेश घाट की हैं, जहां ये खतरनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार चार गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई है। एक तेज रफ्तार ट्रॉला कार को टक्कर मारते हुए एक बस टकरा गया। इस पूरी दुर्घटना में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इस सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में 10 लोग घायल होने की भी सूचना है। आशंका जताई जा रही है कि ट्राले का ब्रेक फेल होने से दुर्घटना हुई होगी। इस एक्सीडेंट के बाद रास्ते पर जाम लग गया, वाहनों को घटनास्थल से हटाया गया है। वहीं पुलिस को भी हादसे के बारे में जानकारी दे दी गई, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल करेगी।